Hi guys, so we will learn about the git status command and git add. तो सबसे पहले हम cmd पे जाएंगे और हम फोल्डर पे जाते हैं. फोल्डर हमारा कहाँ है, ठीक है, और cmd हमने खोल लिए. तो हम सबसे पहले डायरेक्टरी पे जाएंगे, cd git demo. सीडी गिट डेमो किया हमने. अब यहाँ पर हम गिट स्टेटस करते हैं. स्टेटस का मतलब क्या है, हम चेक करते हैं कौन सी फाइल ऐड है, कौन सी फाइल हमने मॉडिफाई की है. वो हमारा गिट स्टेटस हमें शो कर दिया, ठीक है. अभी यहाँ गिट स्टेटस कुछ भी शो नहीं कर रहा है, तो हमको क्या करना है. फिर हम यहाँ पर जाते हैं, एक फाइल बनाते हैं इसमें, और फिर हम इसको चेक करते हैं, ठीक है. एक हमने फाइल बना ली, इसमें इसका नाम रख दिया git index, रख देते हैं index, ठीक है. इसके अंदर कुछ हैश डाल देते हैं, सेव कर देते हैं, और फिर इसको हटा देते हैं. फिर कमांड पे जाते हैं. अब हम यहाँ पर फिर git status करते हैं, git state. तो ये हमें तो करेगा कौन सी फाइल आपकी कमिट है, कौन सी फाइल आपकी अनट्रैक है. देखो अब इंडेक्स डॉट टी एच टी, तो ये हमारी इंडेक्स डॉट टी एच टी फाइल आ गई यहाँ पर, और ये फाइल अभी ऐड नहीं है. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो ये गिट स्टेटस क्या करता है, गिट स्टेटस ये बताता है कौन सी फाइल आपने, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, कौन सी फाइल आपने ऐड कर दिया है और कौन सी फाइल आपने मॉडिफाई की है, जिसकी वजह से आपकी फाइल अभी गिट पे नहीं है, और कौन सी फाइल आपने अपडेट की है, ठीक है. तो हम यहाँ पे करते हैं गिट ऐड. जैसे हम गिट ऐड, हम अगर एक सिंगल फाइल ऐड करना चाहते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे टू फाइल बना लेते हैं, एक बना ली हमने CSS, एक CSS बना देते हैं, ठीक है. अब यहाँ पर फिर से चेक कर लेते हैं एक बार git status. तो हमारे पास टू फाइल हैं जो अभी रेड में शो कर रही हैं और ये ऐड नहीं हुई हैं. तो यहाँ पर अगर हम सिंगल फाइल को ऐड करेंगे, तो हम लिखेंगे git add index.txt. अब क्या है, जैसे हम इस कमांड को देते हैं, तो हमारी एक सिंगल फाइल ऐड होगी. एंटर कर देते हैं, ठीक है. हम चेक कर लेते हैं कौन सी फाइल ऐड हुई है, कौन सी नहीं, ठीक है. फिर गिट स्टेटस कर देते हैं. देखो गिट स्टेटस जैसे ही हमने यहाँ पर किया, तो हमारी एक फाइल ये index.txt ग्रीन शो करने लगा. इसका मतलब ये फाइल ऐड हो चुकी है, ठीक है, और CSS वाली ऐड नहीं हुई है. अगर हम यहाँ पर git add डॉट कर देते हैं, तो हमारी जितनी भी फाइल है उसमें सारी फाइल ऐड हो जाएंगी. git add एंटर करते हैं, चेक कर लेते हैं git status. एक तरह से git status चेक करने के लिए यूज होता है, कौन सी फाइल आपने ट्रैक कर ली है, कौन सी फाइल आपने ऐड कर ली है, ठीक है. जैसे ही हमने git add डॉट किया, अब दोनों फाइल ऐड हो चुकी हैं. तो ये हमारा git status और git add है, ठीक है. git add कमांड है और इसको हम git के लिए यूज कर सकते हैं. तो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस. अगले वीडियो में